डीडी फ्रीडिस के ग्राहकों के लिए एक सरप्राइज डीडी फ्रीडिस की तरफ से। अभी जिस तरीके का मौसम चल रहा है उस हिसाब को देखते हुए डीडी फ्रीडिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का हम लोगों के लिए खुशखबरी लेके आएगा। आप सभी को मालूम है कि एमपीजी 2 स्लॉट के लिए जो ऑक्शंस हुए थे और जो चैनल्स ने प्राइस पे किया था उनको प्राइस देने के बाद जो स्लॉट जीते थे वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुके हैं। अब 1 अप्रैल 2020 से आपको मालूम होगा कि टीवी पे बहुत सारे चैनल जो चल रहे थे वो बंद हो गए, जैसे कि संस्कार और आस्था, जो दो दो चैनल चल रहे थे आपके टीवी पे अब नहीं आ रहे होंगे। और ये चैनल के साथ साथ और भी बहुत सारे चैनल जो पुराने थे वो बंद हो चुके हैं और नए चैनल आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि एमपीजी 2 स्लॉट के ऊपर जो चैनल्स चल रहे थे उसके अंदर दो चैनल थे जो कि एक अरिहंत और एक सत्संग टीवी, ये दोनों चैनल बंद हो गए और इनके जगह पे कौन से चैनल आ गए, आस्था और संस्कार। आपको ये बताते चले कि सत्संग के जगह पे संस्कार टीवी आ रहा है और साथ ही साथ जो अरिहंत चैनल था उसके ऊपर आस्था टीवी आ रहा है। ये चारों चैनल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये मालिक इनका एक ही है, इसलिए हो सकता है कि ये अपना ऑक्शन में जो हिसाब किताब हुआ होगा कुछ इनके एग्रीमेंट्स होंगे, किसी तरीके से इन्होंने अपना जो प्लानिंग किया है वो हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक और चैनल जो कि सुदर्शन न्यूज के नाम से जाना जाता है और ये काफी आज की डेट में फेमस होता हुआ जा रहा है और लोग बहुत इस चैनल को देख रहे हैं, उनके जो मालिक हैं या सीईओ जो कह सकते हैं उनके द्वारा ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया गया और बताया गया कि आज से मतलब कि 2 अप्रैल से हमारे चैनल डीडी फ्रीडिस के ऊपर और डिश टीवी के ऊपर अवेलेबल हैं, कोई भी बात हो तो इस नंबर पे कॉल करें। डीडी फ्रीडिस के ऊपर अवेलेबिलिटी के साथ साथ बताया गया कि एमपीजी 4 के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, तीन चैनल आपके टीवी के ऊपर अचानक से आए हैं, इसके पीछे कोई भी ऑक्शन नहीं हुआ है, ना ही कोई बात हुई है, ना ही कोई न्यूज आया था पहले, जो कि एक अच्छी खबर है। अब बात यह है कि जो चार चैनल के बारे में बात चल रहा था कि डीडी फ्रीडिस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर मैंने जो ट्वीट किए थे उसके रिप्लाई अभी तक नहीं आए हैं। मैं पहले वीडियो से बता रहा हूं कि अभी रिप्लाई आएंगे तो मैं जरूर आप तक लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चार चैनल डीडी फीड इसके ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म पे तो आ रहे हैं क्योंकि वो चैनल पहले से अवेलेबल थे। उसके अंदर मेन जो दिक्कत ये आ रही थी कि वो चैनल्स पेड थे, उनको फ्री में लेके आना था, साथ ही साथ वो एफटीए में लेके आने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और जो बुके होते हैं उसके अंदर से हटाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हटा के और डीटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री कर दिया गया, जिनके टीवी चल रहे हैं उनके ऊपर आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसके लिए प्राइस देना पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर डीटेच प्लेटफॉर्म कोई और इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों तकनी से पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, टाइम के अंदर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।